गाड़ी का भाई जो हॉर्न खराब हुआ था ना उसके लिए हमने सर डूरगढ़ के पास गाड़ी रोकी है। ओ भाई ट्रक देखो यार कैसे टेढ़ा हो रहा है। तो भाई यहाँ पे ना रास्ता बंद कर रखा है। आगे भाई सिद्धू मूसे वाले के गांव और पीछे आप देख रहे हैं ये सिद्धू मूसे वाले की हवेली। एक स्टैचू ये जिसके ऊपर लिखा है जस्टिस फॉर सिद्धू। और बाकी मैंने आपको पिछली बार ये भी दिखाई दिया था। तो हेलो जी कैसे सभी, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा भाई कि डॉगी वाली वीडियो आपको कैसी लगी। और बहुत सारे लोगों के ना कमेंट आए हैं कि सर ये नाम रख लो ये नाम रख लो। तो अभी मेरी रिसर्च चल रही है और मुझे भी एक नाम काफी पसंद आया जो कि मैं आपको इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल के बता दूंगा ना। और आप सब देख रहे हैं कि सब भाई खड़े हैं, लवजीत है, गौरव है, अरुण है। अभी हम खड़े हैं भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए, बिकॉज हम जा रहे हैं भाई मूसा विलेज। सिद्धू मूसे वाले के जो फादर और मदर है उनको से बेबी हुआ है। तो चलो भाई फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धूप काफी हो रही है और फिर निकलते हैं। सो नमस्कार सुसेकाल की हालचाल, मैं हूं अपना साइम शर्मा मुजाल एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल SBM Vlogs। अभी अभी ना इसने हमें बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैं गाड़ी चला रहा तब तो भाई हॉर्न चल रहा था, लेकिन अभी भाई ने ना थोड़ा सा हमें डरा दिया। इसकी गाड़ी के हॉर्न का जो फ्यूज है वो उड़ चुका है वो भाई राम से धीरे 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 भाई का भी उड़ चुका है। मतलब इसका भी और दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि कल ही एक्चुअली मैंने सुना है पोस्ट के थ्रू कि जहाँ पे बलकार सिंह सरदार बलकार सिंह सिद्धू जिनके घर पे न्यू बेबी हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं जो कि सिद्धू मूसेवाला जी के पिता है, उनके पापा और मम्मी दोनों ने डिसाइड ये किया है कि ये जो न्यू बोर्न बेबी हुआ है इसका नाम भी वो सुदीप ही रखने वाले हैं। बस अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे और फिर वहां जाके आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ एक्टिविटीज चल रही है वहां पे। और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो भाई फोटो भी क्लिक कर सकते हैं बेबी की। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि भाई ऐसा करने देंगे क्योंकि एक्चुअली उन्होंने बंद किया होगा ना। एग्जैक्टली क्योंकि पर्सन के लिए तो बिल्कुल, तो अभी ना चांस थोड़े कम है कि शायद हमें फोटो क्लिक करने दे, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी बनती हुई तो भाई पक्का मैं आपको फोटो क्लिक करके या वीडियो शूट करके दिखाने की कोशिश करूंगा। दिल ला नहीं मारा साडा सिद्धू मूसे वाला। फिलहाल तो अभी हम पहुंचने वाले हैं मूसा विलेज और वहां जाके देखते हैं क्या कुछ एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। और इसको भी भाई को कहते हैं कि भाई गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना क्योंकि आपका हॉर्न का फ्यूज उड़ चुका है और साथ में हम सारों का फ्यूज उड़ चुका है क्योंकि हॉर्न भाई गाड़ी में नहीं है, बाकी सब कुछ है बस एक हॉर्न नहीं है। अभी सोच रहे हैं, अभी इसके दिमाग में क्या किया जाए। भाई सोच रहा है, भाई सोच रहा है, भाई सोच रहा है। अब भाई सोच रहा है लाइट देके लोगों की ऐसी तैसी करेगी। गाड़ी का भाई जो हॉर्न खराब हुआ था ना उसके लिए हमने सर डूरगढ़ के पास गाड़ी रोकी है। पूछते हैं क्योंकि इसका जो फ्यूज था वो उड़ चुका है, तो वो फ्यूज मिल जाता है तो फिर यही कह रहा है कि मैं डाल दूंगा, उसके बाद फिर चलते हैं। सर डूरगढ़ तो पहुंच चुके हैं। भाई ट्रक देखो यार कैसे टेढ़ा हो रहा है, कितना टेढ़ा हो रहा है ट्रक का। तो भाई यहाँ पे ना रास्ता बंद कर रखा है। सभी को पता ही है जो अभी कुछ टाइम पहले जो मसला हुआ था इनका, तो उसी के कारण यहाँ पे रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है और हम जा रहे हैं इस रास्ते से देखिए। तो भाई हम जनेर क्रॉस कर चुके हैं और काफी भाई गंदा रास्ता था और भाई साहब ने गाड़ी ऐसी चलाई है जैसे ऑफ रोडिंग कर रहा हो। सो ये रास्ता जा रहा है भाई सिद्धू मूसे वाले के विलेज में। तो ये गाय भी भाई जा रही है ना। मूसा विलेज जा चुके हैं भाई, अब बस हमने यहाँ से राइट का कट लेना है। अगर आपको याद होगा पिछली बार जब हम बाइक पर आए थे तो हम यहाँ से मुड़े थे, ये जाती है उसका जो समाधि है सिद्धू मूसे वाले की वो रास्ता और ये जाता है उसकी हवेली को रास्ता। वो बस ये इनकी देखिए वो रही कोठी सिद्धू मूसे वाले की। दल दानी मारा साडा सिद्धू मूसे वाला। देखो जी आ रही सिद्धू मूसे वाले की कोठी। आगे भाई सिद्धू मूसे वाले के गांव और पीछे आप देख रहे हैं ये सिद्धू मूसे वाले की हवेली। पहले यहाँ पे पार्किंग वगैरह कुछ थी लेकिन अब देखे पार्किंग वगैरह बना दी है। चले भाई चलते हैं और इधर चलिए कि चलो इधर चलो और चलो भाई।
ये देखिए भाई, पहले ही मैंने आपको दिखाया था सिद्धू मूसेवाले का स्टैचू, एक ये रहा और एक यहाँ पे अंदर जाना वैसे अलाउड नहीं है। सो एक स्टैचू ये देखिए जिसके ऊपर लिखा है जस्टिस फॉर सिद्धू। और बाकी मैंने आपको पिछली बार ये भी दिखाई दिया था जो उनके व्हीकल्स वगैरह हैं सारे यहाँ खड़े हो, यहाँ पे कुछ लोग फोटोज वगैरह क्लिक कराने के लिए आए हैं। देखिए ये थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए भाई, सिद्धू मूसेवाले की जो ट्रैक्टिंग है देखिए कितनी शानदार और फेबुलस है। तो ये देखिए भाई, ये देखिए सिद्धू मूसेवाले की जो पालतू डॉग्स थे वो रहे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं वापस, हमने ट्राई की थी गेट खड़काने की और पुलिस वाले से बात की, उन्होंने बोला कि अंदर है नहीं और अलाउड भी नहीं है फोटोग्राफ क्लिक करना, उन्होंने हमें ऐसा बोला। तो फिर अब यार खड़े खड़े करें ही क्या ना, तो सोचा था कि भाई अच्छी खासी भीड़ भी होगी यहाँ पे, लेकिन जिस हिसाब की मुझे भीड़ बता रहे थे लोग उस हिसाब से तो भीड़ इतनी नहीं है क्योंकि गाड़ी वगैरह खड़ी है और यहाँ पे कुछ लोग है बस। सो देखते हैं भाई फिर कभी, अभी फिलहाल चलते हैं उनकी समाधि वाली साइड। एकदम से इतनी धूप तेज हो गई है, मतलब कि 2000 इंच तेज हुई है थोड़ी बहुत धूप। तो सॉरी फॉर डैट गाइस, मैंने सोचा था कि फोटोग्राफ क्लिक करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया, तो सॉरी फॉर डैट भाई, माफ करना, फिर कभी देखते हैं। तो चलो भाई चलते हैं वापस समाधि वाली साइड चले, मतलब गोरू टेकेगा, और भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई पैसा पूसा मिठाई वगैरह ये सब कुछ मत चढ़ाया करो, क्योंकि वो लेजेंड था और लेजेंड को इन सब चीजों की ना जरूरत नहीं पड़ती है, आपके प्यार की जरूरत पड़ती है, बस वो दो पैसा पूसा मिठाई ये तो देने की जरूरत है नहीं। अभी चलते हैं बस, यहाँ से सीधा आगे का रास्ता है उसकी समाधि का, बिल्कुल सीधा जाओगे और थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ जाना, उसके बाद आपको समाधि दिख जाएगी सिद्धू मूसेवाले की। यहाँ पे भी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगी और वो रहा सिद्धू मूसेवाले का स्टैचू आगे देखिए। चले भाई आ चुके हैं, आराम नाल मनाए ले, ये देखो जी लाके थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि ना अच्छा ना अंदर नहीं जाने दिया बिल्कुल यार के कारण है, क्योंकि ये तो सब देखा ही हुआ फिलहाल अपने। ये रहा हमारे लेजेंड सिद्धू मूसेवाले का सेट, चलो भैया हमारा यहाँ से चलने का टाइम आ चुका है, हमने खाना पीना खा लिया है, कुलचे खा लिए, जूस पी लिया, सिद्धू भाई से अलविदा लेते हैं और चलते हैं भाई घर वाली साइड। आजकल ना भाई इंस्टाग्राम पर ना रील काफी वायरल हो रही है, सागर की बॉडी ने चलाई थी इंडिका, और वो इंडिका हमें मिल गई है भाई, ये देखो ये जारी सागर की बॉडी मूसागढ़ से हम निकल चुके हैं और अब रास्ते में हैं, और रास्ते से हमने भाई कुछ हमारे डोगे लिए सामान भी लिया, ये सामान मैं आपको घर पे दिखाऊंगा। पीछे भाई एक ना दुकान गई है, दुकान का नाम इतना बड़ा, दुकान पे लिखा होता है बुग्गी दी बिजली दे सामान की दुकान, बजा रहे हैं भाई बुग्गी दी बिजली दी सामान की दुकान, भाई साहब इतना बड़ा नाम बुग्गी दी दुकान या बिजली शॉप। आगे मैं भाई घर पे और टाइम समथिंग 4:30-5 बज चुके हैं, और मैंने जो डोगी के लिए सामान लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। डोगी मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि अभी तक मैंने नाम नहीं सोचा कि उसका नाम क्या रखना है ना, और भी लोगों ने मुझे नाम सजेस्ट किया जिनके कमेंट यूट्यूब पर नहीं आए लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम जुड़ रहे हैं, सोचते हैं कि क्या नाम रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई हमारे डोगी के लिए एक कैल्शियम वाली हड्डी, जैसे अब इसके दांत निकल रहे हैं ना तो इसको खाएगा तो इसके दांत थोड़े से मजबूत हो जाएंगे, और एक ये पटा लेके आए हैं, तो बस यही सामान था। और अभी वो क्या कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो आई थिंक वो सो रहा होगा, मम्मी बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही घूम रहा था, सो थोड़ा इंसान सोता ही रहता है, देखो अब उठा थोड़ा, ये देखना सॉरी ये देखो ये रहा, हेलो हेलो कैमरे में देखो, कैमरे में देखो सोता है, तो उसका सिर्फ एक ही काम है खाया पिया और सो गया। आज जब मैं वहाँ पे पहुंचा सिद्धू मूसेवाले के विलेज में तो ना एक अलग ही माहौल सा था, सोचा कि ये होगा वो होगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब भाई जिंदा था ना तब तो हम उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन आज देखो कि आज दूसरी बार हमारा चक्कर लगा, पहली बार जब गए थे तो उस टाइम एक हमारा अलग इमोशन था, इस बार जब गया तो हम खुशी से गए थे तो सोचा था कि यार इमोशनल नहीं होंगे क्योंकि खुशी का माहौल है ना, सिद्धू फैमिली में एक नया फैमिली मेंबर आया तो खुशी का माहौल है, तो बस वो खुशी को रिकॉर्ड करने के लिए हम गए थे और सोचा कि आप सबको भी दिखाएंगे कि कैसा माहौल है वहाँ का, सब कुछ बढ़िया था यार। लेकिन जब मैं सिद्धू मूसेवाले के स्टैचू की तरफ गया ना और मैंने स्टैचू को देखा तो मेरे जो इमोशंस थे ना वो मतलब निकल गए यार,
कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हर किसी का साथ दिया, हर किसी को हल्ला शेरी दी, कोई भी सिंगर हो आए तो कहना कि कोई दिक्कत नहीं, तू कर, खिंच के रखा पतरे ना लखने। एक ऐसी बात कहना, मतलब कि कोई बंदा आया तो उसने कह दिया कि तू खिंच अपा तेरे नाल खड़े हैं ना, तो बहुत ही एक अच्छी बात है खल्ला शरीर देने किसी चीज़ की। और भले ही वो शरीर रूप में अपने साथ नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा सिद्धू मूसेवाला। और मैं आप सबको ये भी कहूँगा कि जब भी यार कोई सिद्धू मूसेवाली रील्स या वीडियो कुछ भी डालो तो हैशटैग जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला जरूर लिखा करो, क्योंकि अभी हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिला है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा और ज़्यादा कुछ तो क्या बोलूँ यार, मतलब कि जितना बोलेंगे उतना कम है, क्योंकि वो तो एक लेजेंड था, है ना। तो बोलने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसको बयां करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। क्या क्या चीज़ें बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि बुराई तो कुछ थी नहीं, सिर्फ अच्छाई थी, और अच्छाई बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने दोस्तों के शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ओम सलाम, बाय गुड नाइट, टेक केयर एंड शुभ बाकी।